भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत शहर के विभिन्न जगहों पर शौचालय के निर्माण के लिए मनपा ने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन शौचालय का निर्माण कार्य करने से पहले विज्ञापन का होर्डिंग बोर्ड तैयार कर ठेकेदार विज्ञापन के माध्यम से अपनी जेब भरना शुरू कर दिए हैं। शौचालय का निर्माण कार्य सिर्फ कागज पर ही सामने दिखाई देता नजर आ रहा है। साथ ही मनपा के इस योजना के शून्य कामों को लेकर चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत मनपा क्षेत्र के अंतर्गत 30 जगहों पर 15 सालों के लिए वातानुकूलित शौचालय तैयार करना था, जिसमें बालकुम, वसंत विहार, मानपाड़ा, सिन्वेंडर, कोपरी, तीन हाथ नाका, वर्तक नगर, शिवाई नगर, गांधीनगर, बागले एस्टेट, घोटबंदर जैसे अनेक स्थानों पर शौचालय निर्माण करने की योजना थी। लेकिन मनपा के द्वारा इस योजना को पास हुए धीरे धीरे एक साल हुआ, फिर भी शौचालय का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। शौचालय के निर्माण के लिए जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसके एवज में उसको शौचालय के ऊपर होर्डिंग लगाने के लिए मनपा ने अधिकार दिया था, लेकिन नियमानुसार शौचालय निर्माण कार्य पूरा होने के पहले ही विज्ञापन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार ने निर्माण पूरा होने से पहले ही सभी स्थानों पर साइड माउंटिंग खड़ी कर दी है और इस पर पहले ही होर्डिंग लगवा दिए गए हैं, जिस पर बवाल मच रहा है। इसके अलावा एमएनएस के स्वप्निल महिंद्राकर ने भी खुलासा किया है कि एक शौचालय पर दो पैनल लगवाए गए हैं। इस शौचालय के माध्यम से मनपा को हर साल 6 लाख की राशि मिलनी थी, लेकिन पिछले एक साल में काम पूरा नहीं हुआ है और महानगर पालिका की आमदनी में बड़ा नुकसान हुआ है। इसीलिए मनसे के स्वप्निल महिंद्राकर ने मनपा प्रशासन से तुरंत शौचालय के रुके हुए निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग की है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।